सुपर एक्साइटेड फॉर द राइड. लाइनअप हो चुका है डुकाटी एक्स ट्रैवल Z800, Z900, Z900. What's up guys, very good morning, welcome back to my channel. तो आज है सैटरडे और जैसे कि आप लोगों को पता है सैटरडे को अपनी राइड रहती है. सुपर एक्साइटेड फॉर द राइड. अपन लोग हो सकता है राइड कंप्लीट करने के बाद में एक बार कावासाकी सर्विस सेंटर जाएं, थोड़ा सा मेरे को भी ब्रेक का दिखवाना है बाइक का. तो काफ़ी लोग मतलब बैंगलोर में या फिर कहीं पे भी ले लो ऐसा कल्चर है कि या तो सैटरडे राइड करते हैं या संडे राइड करते हैं. आई प्रेफर कि मैं सैटरडे को ज़्यादा राइड करूँ क्योंकि संडे को फिर आराम से पूरा फुल मस्ती वाला दिन हो जाता है और चिल कर पाते हैं. तो यार ये बस वालों को कौन समझाएगा, मतलब बिना ब्लिंकर के नहीं टर्न करने का, इतना बड़ा व्हीकल लेके चलते हैं. तो अभी हम लोग यहाँ से पहुँच चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर की तरफ और ये वाला स्ट्रेट रोड चला जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी. तो ये बेस्ट रहता है जाने के लिए, वैसे तो पेड़ है बट क्या कर सकते हैं, टाइम बचाना है तो करना पड़ता है, वरना नीचे से आते टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है. यहाँ पे इस एरिया में बहुत टाइम पहले आता था, मतलब जब मैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी पर रहता था यहाँ से तो अप डाउन चलता रहता था अपना, बट सही है यार काफ़ी टाइम आता है हमें. साइड में पहले मैं रहता था इधर के आगे साइड में जाके इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज़ वन आया था, इस साइड में है टू और यहाँ से अपने को लगेगा टोल. तो टू व्हीलर का ये है टू व्हीलर कैश कार्ड. ओके सो फाइनली पहुँच चुके हैं हम लोग अति बेले टोल और यहाँ पे काफ़ी लोग पहुँच चुके हैं. बोलू भाई अभी आने बाकी हैं. अबे ये ऐसा मतलब डिस्क्रिमिनेशन क्यों भाई, हम लोग को फुटपाथ से निकाल रहे हैं. अरे ये रे सारे कहाँ पे लगाऊं, उधर लगा दो. लाइनअप हो चुका है डुकाटी एक्स ट्रैवल Z800, Z900, Z900 यामाहा R3 की R1 पता नहीं लिखा हुआ और बोले भाई गोल्ड विंग पीछे है KTM. और अभी हैं हम लोग यहाँ से 53 किलोमीटर जो हम लोगों को मुर्गन का मुर्गन इडली खाएंगे. तो यहाँ से अभी निकलते हैं एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगे 53 किलोमीटर से, बट ये रास्ता बहुत अमेजिंग है. बाइकर्स अपने साथ में हैं, मस्त है यार, मज़ा आता है वीकेंड पे पूरा राइड होता है. दिस इज़ कावासाकी वॉल्कन. यहाँ पे पेट्रोल कम है यार, मतलब 103 का है, बाकी बैंगलोर में अगर पढ़वाते हैं तो 105 या आई थिंक 4 या कुछ का तो चल रहा है. बहुत ठंडा भाई, मैंने एक्चुअली लाइनर भी नहीं पहना अंदर जिससे कि ठंडा थोड़ा सा कम लगता है, क्योंकि वापस आते टाइम में इतना ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना बैंगलोर के अंदर, मतलब पूछो मत. कल का राइड हुआ था, मतलब इससे पिछले वाला व्लॉग जो आप लोगों ने देखा होगा, इतना ज़्यादा ट्रैफिक, मतलब अगर मैं उस टाइम पे अगर पहना होता ना और लाइनर थर्मल लाइनर अगर तो उस टाइम पे पहना होता तो वॉट लग जाती. We'll be right back.
बेस वाली रोड, यहाँ से बिल्कुल भी कुछ भी पैचेस गड्ढे कुछ नहीं पड़ते, छोटे मोटे ऐसे कट मक्खन रोड है यार यहाँ पे। एंड दिस लोकेशन स्पेशली आई लाइक क्योंकि यहाँ पे ना आसपास, यहाँ पे आसपास चूते बहुत हैं। तो यहाँ पे आसपास क्या है कि इधर इधर पे पूरा पहाड़ी सा चल रहा है छोटा सा, एंड इधर पे भी पूरा ऑफ रोडिंग वाला जगह मस्त है। अगर कुछ ट्रेल होता तो किसी दिन ऑफ रोडिंग वाला शूट कर सकते हैं यहाँ पे, बट बहुत अच्छी लोकेशन है यार। अच्छी थी ये पड़ती है बेसिकली चेन्नई जाते हैं रोड से, अगर ये होसूर रोड पकड़ते हो तो ये एग्जैक्टली आप लोगों को ऐसे नज़ारे दिखने लग जाएंगे, उसके बाद में पड़ता है। तो शॉप नेम इज़ मुरुगन इडली शॉप, काफ़ी फेमस है यहाँ पे, एंड इडली एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अमेजिंग है। एंड पसंद आया ये ब्लॉग तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को, बाकी सारी आप लोगों को फोटोज़ मिलती रहेगी इंस्टाग्राम पे। अभी निकल रहे हैं यहाँ से वापस, और चलो बाय बाय, सी यू। ट्रैफिक चलो बोलो भाई भाई। ऑलराइट, तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं वापस, मस्त आज मज़ा आ गया यार। अभी थोड़ी सी रुक के मैंने पी लिमका, पूरी बॉडी डिहाइड्रेटेड लग रही थी, एंड अभी यार भर भर के ट्रैफिक मिलने वाला है क्योंकि पीक आवर्स है ट्रैफिक का बैंगलोर में। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और आज थोड़ा बहुत फन हुआ, फ़ोटोशूट हुआ, रील्स बनी, और जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को मिल जाएगी इंस्टाग्राम आईडी पे। तो इसी के साथ आप लोगों को अभी तक का ब्लॉग अगर पसंद आया हो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मेरी लद्दाख और महाराष्ट्र राइड अगर नहीं देखी तो आई नोटिफिकेशन जाके देख सकते हो, या फिर चैनल में जाके प्ले लिस्ट से देख सकते हो। आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।